चाहे हाथ जोड़े, चाहे पैर पकड़ो, चाहे बैनामा दिखाओ, चाहे नक्शा, चाहे मकान खुद बनवाओ या चाहे प्रधानमंत्री, चाहे अपना घर बर्बाद हो या चाहे आपका परिवार, चाहे आपके छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आ जाएं या चाहे खाने के लाले पड़ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप गरीब हैं। अतिक्रमण हटाने का समय तो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है, गरीबों को नहीं। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के शहर में बीते एक माह से नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बुलडोजर चल रहा है। इस अभियान के तहत सैकड़ों परिवार बेघर हो गए और ना जाने कितने ऐसे परिवार जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए ना जाने कितने लोगों की चौखटों को चूमा और आवास की हर किस्त में से डूडा कर्मचारियों सहित ना जाने किस किस को चढ़ावा चढ़ाया, तब कहीं जाकर उन्हें छत नसीब हुई। परंतु अतिक्रमण के नाम पर एक ही झटके में उनके सर से छत छीन ली गई। आज फिर एक गरीब के साथ ऐसा ही हुआ। मसेनी चौराहे से नेतपुर की ओर अतिक्रमण अभियान चलाया गया जिसमें बुलडोजर ने फिर एक पीएम आवास को ध्वस्त कर दिया। अपने सिर से छत छिन जाने के बाद प्रताड़ित ने यूपी 76 न्यूज को बताया। अनिल जी, ये कौन सा मोहल्ला है? नेकपुर है। कहाँ पे आपका घर, कहाँ पे है? नेकपुर में है। नहीं, किसके कौन से किसके सामने है? अच्छा, तो एक घर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था क्या? अच्छा, तो कितना रुपया मिला था? अभी तो 50,000 बाकी है। बाकी है। अच्छा, तो आज अतिक्रमण अभियान चल रहा है तो आपका घर भी टूटा है क्या? टूट रहा है। अच्छा, तो जिन लोगों ने दिया उन्हें जांच पड़ताल नहीं की थी आपका घर, मतलब अवैध है? अवैध है। जमीन आपकी वैध है? अवैध है। अच्छा, तो आपको पैसा मिल गया था? अच्छा, तो आपको मोहलत मिली आज? मोहलत नहीं मिली। अच्छा, आया तोड़ दिया? अच्छा, थोड़ा तोड़ा है, पूरा तोड़ दिया? अभी क्या कहा है? आपको बाहर निकाला, तोड़ दिया? अतिक्रमण अभियान के दौरान एक महिला अपने भवन के ध्वस्तीकरण को लेकर नगर मजिस्ट्रेट के हाथ पैर जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही। इतना ही नहीं, एक दिन का समय मांगती रही, परंतु नगर मजिस्ट्रेट ने उस महिला के साथ क्या किया आप भी देखिए। इस अभियान में रसूखदारों को समय की संजीवनी मिली और गरीबों की बात सुनना भी गवारा नहीं समझा गया। यदि सच बताएं तो इस अभियान में नगर मजिस्ट्रेट के इशारे पर बुलडोजर ने अपनी ताकत सिर्फ गरीबों के घरों पर दिखाई। इतना ही नहीं, पीएम आवास को गिराने में भी कोई गुरेज नहीं समझा, जबकि किरण पत्नी अनिल का पीएम आवास पूरा बन भी नहीं पाया था, परंतु बुलडोजर उस पर चढ़ गया और देखते ही देखते पीएम आवास मलबे के ढेर में बदल गया। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।